हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द आईबीपीएस गाइड। दिस इज पार्ट नंबर 67 फ्रॉम द डाटा इंटरप्रिटेशन सीरीज। तो आज हम देखेंगे बोर्ड एंड स्ट्रीम के ऊपर एक डीआई जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो ये आपकी एक मिसिंग डीआई है जो कि आपके एक वेरिएबल के साथ होगी और इधर पे पाई चार्ट एंड मिसिंग डीआई टेबल होगी, तो आपको इधर पे करने में बहुत ही मजा आएगा। ओके, एंड मोर अपडेट एंड वीडियो के लिए आप ibpsguide.com पे जा सकते हो। वहाँ पे आप मॉक टेस्ट एंड क्विजेज वगैरह की जानकारी देख सकते हो और उसको डेली यूज में लगा सकते हो और आपकी प्रिपरेशन का एनालाइज कर सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन किस टाइप से चल रही है। ओके, सो बात करते हैं ईयरली प्लेटिनम पैकेज की। तो दिस इज ओनली फॉर 525 रुपीज में आपको मिल जाएगा, जिसमें आपके 1000 प्लस मॉक टेस्ट एंड ऑल ई बुक्स आपको मिलेगी, जिसमें आपके कंसिस्ट होंगे न्यू पैटर्न के क्वेश्चन और इसमें आपके टॉपिक वाइज, सेक्शनल वाइज एंड आपके प्री और मेंस के रिगार्डिंग काफ़ी जो इम्पोर्टेंट आपके मॉक टेस्ट हैं वो हैं, और जो उसमें कंटेन है वो काफ़ी हाई स्टैंडर्ड कंटेन होगा और आपके न्यू पैटर्न पे भेज दूंगा। जो डी आईज हम लोग लेते हैं, जो पजल्स हम लोग लेते हैं, वो सारी पजल्स एंड डी आईज हम लोग किस में से लेते हैं, इसी में से लेते हैं। तो आपको अर्थमेटिक सम्स और टॉपिक, टॉपिक मतलब क्या है कि आपको सारे टॉपिक्स उधर मिल जाएंगे। लाइक अगर आप बात करूँ कि आपको सिर्फ इंग्लिश में आपको एरर लगाना है, तो देन आप उधर एरर देख सकते हो, आरसी देख सकते हो, आरसी अकेला उधर मिलेगा, पैराजम्बल देख सकते हो एंड सो ऑन। तो इस टाइप की आप सारी चीजें टॉपिक वाइज टेस्ट में देख सकते हो। सेक्शनल वाइज में आपका रीजनिंग एंड क्वांट एंड इंग्लिश आ जाएगा। ओके, एंड प्री के लिए आपको पता ही है 20-20 मिनट का जो स्लॉट होता है उस टाइप में आपको मिल जाएगा। एंड मेंस के रिगार्डिंग आपको पर्टिकुलर जो भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो इधर पे आपको अवेलेबल मिलेगा। ओके, सो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इसको परचेज करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेल कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, उधर पे मैं आपको इसके जितने भी होंगे, जो भी आपका इशू होगा उसको मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। ओके, सो ये आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आप इसको जरूर परचेज कर दीजिए। तो आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन किस टाइप से है। ओके, सो ये आपके सामने कुछ डी आई है, तो सबसे पहले इसका इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या है, द टेबल गिवन बिलो शो द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द 5 डिफरेंट पर्सन एबीसीडी। तो ए बी सी डी ई हो गए, और टोटल क्या है आपकी डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रही होगी, इसके रिगार्डिंग कुछ बात की गई है। इन द डाउन स्ट्रीम एंड इट इज ऑल्सो शो द टाइम टेकन बाय द दोज 5 पर्सन इन अप स्ट्रीम। तो देखो, डाउन स्ट्रीम वाली तो दी है उसने डिस्टेंस जो कि किलोमीटर में, और अप स्ट्रीम के रिगार्डिंग दिया उसने टाइम जो कि आपका आर में। तो पहला वाला जो पोर्शन है वो ए की अगर मैं बात करता हूँ तो पर्सन ए ने डाउन स्ट्रीम में कितनी डिस्टेंस चली जो कि मिसिंग है, वो हमको क्वेश्चन में पता पड़ जाएगा। और ये जो अप स्ट्रीम जाता है तो ये कितने आर में जाता है, 8 आर में जाता है। ओके, बी अगर मैं देखूँ तो डाउन स्ट्रीम कितने से जाता है, 96 से, एंड ये आपका जो ट्रेवल करेगा अप स्ट्रीम वो कितने टाइम में कर लेगा, मिसिंग है ये डेटा, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। ओके, आगे देख लो, ये टेबल के बारे में तो आप समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है आपका डाउन स्ट्रीम वाला है, और ये वाला पोर्शन आपका किसके रिगार्डिंग है, ये वाला पोर्शन आपका टाइम टेकन जो आपका अप स्ट्रीम में जो टाइम लगेगा उसके रिगार्डिंग। ओके, आगे देखो क्या दिया है, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस एंड अप स्ट्रीम डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रीम फॉर सॉरी कहा गया डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस एंड अप स्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल बाय एनी पर्सन इज सेम। तो देखो, जरूरी नहीं है कि अगर जैसे ये डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस जो है 96 है तो अप स्ट्रीम भी 96 होगा, ऐसा कोई इधर पे नेसेसरी नहीं दिया गया है। ओके, तो आप इसको बिल्कुल ऐसा मत मानना कि अगर डाउन स्ट्रीम 96 है तो वो अप स्ट्रीम भी 96 होगा, तो वो क्वेश्चन में हो जाएगा। लाइक अब जब एप्लीकेशन सबसे अर्थमेटिक का क्वेश्चन करते हो तो उसमें ये ऑटोमेटिकली हो जाता है कि वो इधर से इधर तक डाउन स्ट्रीम गया तो लौटेगा भी वो डाउन अप स्ट्रीम उतनी ही डिस्टेंस, लेकिन इधर पे ऐसा नहीं होगा, इसलिए इधर पे उन लोग ने मेंशन करके रखा है। ओके, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम फॉर ऑल 5% इज ऑल्सो डिफरेंट एंड पाई चार्ट गिवन बिलो शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम फॉर दोज 5% एंड द सम ऑफ द पाई चार्ट इज 25 किलोमीटर पर आवर। तो 25 किलोमीटर पर आवर इसका टोटल वैल्यू होगी, और ये जो वैल्यू है वो किसकी है, वाई की, और वाई क्या होता है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ओके, सो इंडिविजुअली हम इन सारे की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए की जो स्पीड आएगी किसकी, स्ट्रीम की स्पीड, वो कितनी आएगी, इधर से निकाल लूंगा एंड देन मैं सारी की निकाल सकता हूँ। ओके, आगे देखिए, और आगे देखो क्या दिया गया, स्पीड ऑफ एनी पर्सन इन स्टिल वाटर रिमेन सेम इन बोथ डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। तो देखो, एक्स की जो वैल्यू रहेगी ना वो सबके लिए कैसी रहेगी, सेम रहेगी, अब वो चाहे डाउन स्ट्रीम जाए या अप स्ट्रीम। अगर मैं ए की बात करता हूँ तो पर्सन ए की जो डाउन स्ट्रीम में, मतलब जो स्टिल वाटर में उसकी जो स्पीड रहेगी, यानी कि जो पर्सन की स्पीड रहेगी, यानी जिसे हम एक्स से डिनोट करते हैं, वो डाउन स्ट्रीम जाएगा तब भी वही वैल्यू रहेगी, और अप स्ट्रीम जाएगा तो तब भी। तो ये वाली चीज आपकी, तो आपकी क्या हो गई, ये वाली चीज आपकी बिल्कुल फिक्स हो गई जो कि सेम हो रहा है। ओके, अच्छा, अब आगे बात करते हैं इसकी। तो 25 इधर पे अगर जैसे 20% दिया है, किसका 20% निकालना है, 25 का, तो क्या करते हैं, परसेंट जितने भी है ना सब परसेंट इसे दे दो, और जैसे ही परसेंट इसे देंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, बिकॉज 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। तो इसका 1/4 करेंगे तो ये 5 निकलेगा, ये 10 निकलेगा 1/4 करने पर, ये 2 निकलेगा, ये 4 निकलेगा एंड देन ये 4 निकलेगा,
और ये जो वैल्यूज आ रही हैं किसकी आ रही हैं, वाई की वैल्यूज आ रही हैं, जितने भी हैं ये वाई सेपरेटली आ गए। बात करते हैं ए में, जो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम रहेगी वो कितनी रहेगी इंडिविजुअली, 5 किलोमीटर पर आवर। बी में कितनी रहेगी, 10 किलोमीटर पर आवर, एंड सो ऑन। ओके, तो ये पूरा चीज हमको इन्फॉर्मेशन जो भी दिया था वो पूरा हमने पढ़ लिया। अब डायरेक्टली हमको क्वेश्चन पे आना है कि क्वेश्चन गिवन है जो उसमें कंडीशन क्या क्या लग रही है। इफ पर्सन ए ट्रेवल्स 280 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम डिस्टेंस वो कितनी चल रहा है, 280 किलोमीटर, एंड द रेशियो ऑफ द डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस टू द अपस्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पर्सन ए इज 9:14। तो अपस्ट्रीम डिस्टेंस इधर पे कितना दिया है, 14 यूनिट, और उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है दिस, तो 14 यूनिट बराबर 280 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर, तो 9 यूनिट बराबर 180 किलोमीटर। तो डाउन स्ट्रीम जो इसकी डिस्टेंस आएगी, डाउन डिस्टेंस लिख दूंगा मैं इसको, है ना, डाउन डिस्टेंस जो आएगी इसकी वो कितनी आ गई, 180 किलोमीटर। तो ये मैंने सॉल्व कर लिया। ओके, अब आगे आगे देखते हैं क्या है। देन टाइम टेकन बाय पर्सन ए टू ट्रेवल द डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस इज व्हाट परसेंट ऑफ द टाइम टेकन बाय हिम टू ट्रेवल द अपस्ट्रीम डिस्टेंस। तो ए का अपस्ट्रीम डिस्टेंस का टाइम तो मुझे पता है, मुझे इसका डाउन स्ट्रीम वाले का टाइम नहीं पता। तो डाउन स्ट्रीम वाले का टाइम कैसे निकालेंगे, 180 अपॉन एक्स प्लस, एक्स प्लस वॉट, ए की देखो अपस्ट्रीम, ए की स्पीड क्या है स्ट्रीम की, 5। ओके, यही टाइम होगा ना इसका, तो मुझे एक्स की वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो एक्स की वैल्यू मैं कहां से निकालूंगा, इधर से। तो 280 दिया है डाउन अपस्ट्रीम, जब वो 280 जा रहा है तो अपस्ट्रीम 280 जाएगा तो कैसे जाएगा, एक्स माइनस दिस 5 कर देंगे तभी तो अपस्ट्रीम जाएगा, और अपस्ट्रीम जाने में उसको लग कितना रहा है, 8 आर, तो 8 से कट करेंगे, 8 3 जाएगा और 8 5 जाएगा, तो एक्स की वैल्यू इधर से कितनी निकल जाएगी, 40। और एक्स की वैल्यू मैंने क्या देखा था कि एक्स की वैल्यू सेम रहेगी डाउन स्ट्रीम हो या अपस्ट्रीम हो, तो एक्स की वैल्यू मैं इधर 40 रख सकता हूँ, और जैसे ही मैं इधर 40 रखूंगा तो ये 45 हो जाएगा, 45 से कट जाएगा 4 टाइम। तो देखो डाउन स्ट्रीम में जो उसको टाइम लग रहा है वो लग रहा है 4 आर, और अपस्ट्रीम में जो लग रहा है वो लग रहा है 8 आर, जो कि इधर पे दिया था। तो ये जो 4 है ये 8 का कितना परसेंट है एग्जैक्टली आप बता सकते हो 4/8 करके, और इसको कट करोगे तो 1/2, और 1/2 फ्रैक्शन में किसको देता है, डिनोट करता है 50% को, यानी आंसर कितना आ जाएगा आपका, 50%, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या मैंने कहा, ओके, इफ डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर्सन ई, अब पर्सन ई की बात कर रहे हैं ना, डाउनस्ट्रीम स्पीड, डाउनस्ट्रीम जो डिस्टेंस है उसकी जो वो है वो कितनी है, 75% ऑफ द अपस्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम, एंड टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस इज 4 आर लेस देन द टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द अपस्ट्रीम डिस्टेंस, अपस्ट्रीम स्पीड, है ना। तो देखो अपस्ट्रीम डिस्टेंस को अगर वो कर रहा है तो वो 10 आर में कर रहा है, तो इधर पे उसको कितने लगेंगे, इधर पे उसको 6 आर लगेंगे। क्यों लगेंगे 6 आर, बिकॉज उसने क्या बोल दिया, 4 आर लेस लग रहा है टू कवर द टाइम टेकन बाय टू कवर द अपस्ट्रीम डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस होगा। ओके, तो डिस्टेंस हो जाएगा, तो देखो अपस्ट्रीम डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको कितना लग रहा है, उसको 10 आर लग रहा है, तो डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको 6 आर लगेगा, बिकॉज 4 आर लेस लगेगा। ओके, तो बताना क्या है, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पर्सन ई इन स्टिल वाटर, तो एक्स की वैल्यू निकालना है इधर पे, एक्स की वैल्यू निकालना है ना, तो अब कैसे करेंगे, देखो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस जो है, यानी डाउन डिस्टेंस मैं ले लूंगा इसे, डाउन डिस्टेंस जो होगी वो 75% यानी 3/4 होगी किसका, अप डिस्टेंस का, अप डिस्टेंस ले लूंगा। ओके, और ये वाली वैल्यू मुझे पता है, ये 5 आई थी, ये 10 आई थी, ये 4 आई थी, ये 4 आई थी, ये 2 आया था मेरा, एंड देन ये भी 4 आया था, बिकॉज ये पूरा कितना दिया था, 25 किलोमीटर, तो उसके एग्जैक्टली मैंने ये वाली सारी वैल्यूज निकाली है। ओके, लास्ट क्वेश्चन में किया था ना, तो ये तो बदलेगा नहीं, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन में आपको स्टार्टिंग में ऊपर ही दिया गया है। क्लियर है, तो अब देखो क्या निकालना है, ये पूरा ये वाला डेटा दिया गया है, तो डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस रख देते हैं। डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस क्या होती है, डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस के लिए अगर मैं बात करूं तो डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ओके, तो अगर डाउन की बात करेंगे तो डाउन डाउन लगेगा, तो डाउन की स्पीड क्या रहेगी, डाउन की स्पीड रहेगी एक्स प्लस, और बात किसकी कर रहे हैं, ई की ना, तो ई वाला पोर्शन कौन सा है, ये वाला, तो एक्स प्लस ई, ई की बात करेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, ये तो हो गई स्पीड, इंटू टाइम कितना लग रहा है इसको, इसको टाइम लग रहा है 6 आर। ओके, और इक्वल में क्या रखेंगे, 3/4, अप डिस्टेंस रखना है, अप डिस्टेंस के लिए क्या रखेंगे, स्पीड, अप डिस्टेंस की स्पीड क्या रखेंगे अपन, एक्स माइनस 4, बिकॉज एक्स माइनस 4 क्यों, क्योंकि इधर पे माइनस 4 रखना पड़ेगा, और इधर पे जो टाइम आएगा वो कितना आएगा, 10 आर। क्लियर हो गया, तो देखो 3 से कट करेंगे 2 टाइम, और 2 से कट हो जाएगा 5 टाइम, 4 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 4x+16, और ये हो जाएगा 5x-20, 5x इधर जाएंगे तो माइनस के x, और ये 16 इधर आ जाएगा तो माइनस का 36, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 36, 36 किलोमीटर पर आर, यही हमारा आंसर है, और ऑप्शन नंबर बी में हमको ये मिल रहा है। क्लियर, तो काफी इजी है डीआई, अगर आप इसको अच्छे से समझोगे तो देन आप इसको इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ पर्सन बी गोज 48 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम, है ना, एंड कम्स बैक टू द सेम पॉइंट इन 3.6 आर। अब देखो उसने ये बोला था कि नॉट नेसेसरी द डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस एंड अपस्ट्रीम डिस्टेंस आर सेम, है ना,
अगर ये सेम नहीं है, नॉट नेसेसरी, ऐसा उसने स्टेटमेंट दिया है, लेकिन अगर क्वेश्चन कराना चाहेगा तो वो कर सकता है। तो वो क्या कर रहा है कि पर्सन बी के रिगार्डिंग इधर पे बात दी गई है, और बी के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो ये मेरा कितना निकला था 10, यानी वाई की वैल्यू कितनी निकली थी 10 निकली थी। तो वो क्या करता है कि वो गोज, यानी कि वो जाता है 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम, और जब वो 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएगा तो अपस्ट्रीम के लिए क्या करेगा वो एक्स माइनस वाई, और वाई की वैल्यू क्या है अपस्ट्रीम के लिए 10, है ना। तो उसको क्या लगता है एंड कम्स बैक टू द सेम पॉइंट इन 3.6 आर, और जब वो लौटेगा तो वो कितना लौटेगा 48 ही लौटेगा, 48 जब वो लौटेगा तो अब देखो अपस्ट्रीम गया था तो लौटेगा कितने से डाउन स्ट्रीम से, तो एक्स प्लस 10, और इधर पे उसको टाइम कितना लग रहा है 3.6 आर, क्योंकि ये भी आपका टाइम हो गया, ये भी आपका टाइम हो गया, और उसको लग रहा है 3.6 आर। क्लियर हो गया। तो इधर से पॉइंट हटाएंगे तो ये जीरो बढ़ जाएगा, 12 से जब आएगा 3 टाइम, 12 से 4 टाइम एंड 12 से 4 टाइम। ओके, अब जस्ट एलसीएम लेना है और हमको क्या करना है वैल्यूज रखना है। तो इधर पे और देख लेते हैं आगे क्या दिया है। तो व्हाट इज द अपस्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम इफ टोटल टाइम टेकन बाय हिम टू गो मेंशन डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम एंड रिक्वायर्ड डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम इन 6 आर। तो बताना क्या है कि व्हाट इज द टाइम टू टेकन बाय अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम में उसको कितना टाइम लगेगा, अपस्ट्रीम जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, जबकि इधर पे क्या बोला है ट्रेवल बाय हिम इफ टोटल टाइम टेकन बाय हिम टू गो मेंशन डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम। तो जो मेंशन डिस्टेंस है यानी 96 की जो डिस्टेंस है ना उसको कितना टाइम लगता है वो वाला टाइम, एंड रिक्वायर्ड डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम इज 6 आर। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस मतलब रिक्वायर्ड जो आपकी अपस्ट्रीम रहेगी उसको 6 आर में अगर उसको कवर करना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले इधर से एक्स की वैल्यू हमको निकालना है, और एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे देखिए 4 कॉमन ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा एक्स प्लस 10 माइनस प्लस एक्स माइनस 10, और अपॉन में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 100, इक्वल में क्या आ जाएगा इक्वल में आ जाएगा 3/10। ओके, 10 से 10 कट जाएगा तो ऊपर कितना आ जाएगा 2x, और ये 10 इधर पे पहुंचेगा और ये 4 भी जो इधर पे अंदर आ जाएगा तो 40 और 2 यानी कि 80x, और इक्वल में कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 300। तो इधर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या निकल के आती है मेरे पास 3x स्क्वायर माइनस 80x और माइनस के 300 इक्वल्स टू 0। तो इधर पे मल्टीप्लाई कराना है, 3 का 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, मुझे माइनस करके 80 लाना है, माइनस करके 80 कब आ सकता है, और मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए आपका 900 होना चाहिए, मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए 900 होना चाहिए। तो इसको देखो 3 इस तरह से स्प्लिट करके अगर मैं और कर दूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा मुझे। ओके, अब 3 3 होते हैं 9, 9 माइनस समथिंग अगर 100 करूंगा तो कभी भी मेरा 80 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इधर से कुछ और स्प्लिट कर लेते हैं, ये तो 9 हो गया मेरा, इसको मैं 3 3 रख दूंगा, इधर से और कुछ स्प्लिट करते हैं, प्राइम नंबर निकालते हैं 2 निकाल लेता हूं तो ये बचेगा 50। तो 3 3 9 2 18, 18 माइनस दिस करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, कभी कभी नहीं होगा। तो क्या करेंगे 3 3 कितना कर लेंगे 3 15 कर लेंगे, 350 होता है 150, और इसमें से ये लेस करेंगे तो तब भी नहीं होगा। तो फिर से और ब्रेक करते हैं इसको, 2 × 5 × इसको कर लेते हैं अपन 5, है ना, 5 × 10 कर लेंगे। ओके, अब देखते हैं अब जस्ट क्या आ रहा है मेरे पास, 3 3 9 9 3 9 5 हो जाएगा 45, 45 2 हो जाएगा 90, और 90 माइनस 10 कितना होता है 80, तो ये 90 माइनस 10 हो गया। माइनस माइनस अगर हम के देखते हैं तो दो रूट्स निकलते हैं, दोनों प्लस में निकलते हैं, तो पहला निकलेगा 90 और दूसरा निकलेगा 10। 90 में 3 से डिवाइड कर देंगे और इधर भी 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमको दो वैल्यू मिल रही है, एक तो मिल रही है 30 और एक मिल रही है हमको ये, और ये जो वैल्यू मिल रही है वो 3 से कम मिलेगी, 3 से क्या मिलेगी कम मिलेगी, जबकि वाई की वैल्यू 10 है, और वाई की वैल्यू अगर 10 है तो हमारी जो वैल्यू होगी एक्स की वो हमेशा किससे ज्यादा होगी, 10 से ज्यादा होगी, तो एक्स की वैल्यू हमको क्या लेना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू हमको हमेशा 30 ही लेना पड़ेगा। ओके, सो अब क्या निकालना है उसे, अब ये निकालना है व्हाट इज द अपस्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम। तो अपस्ट्रीम डिस्टेंस आपको निकालना है अगर के बाय हिम इफ टोटल टाइम टेकन बाय हिम टू गो मेंशन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम कितनी है 96, जाएगा तो कितने से जाएगा एक्स प्लस वाई से। ओके, और अपस्ट्रीम की आपको निकालना है डिस्टेंस, तो अपस्ट्रीम डिस्टेंस मैं ऐसे लिख लूंगा और जाएगा कैसे एक्स माइनस वाई से, और इक्वल में जो टाइम उसको लग रहा है वो टोटल टाइम कितना लग रहा है 6 आर। तो 96 अपॉन में मैं क्या करूंगा x की वैल्यू 30 है और y की वैल्यू 10 है तो इधर पे 40 आ जाएगा। ओके, और इधर पे कितना आ जाएगा अपस्ट्रीम डिस्टेंस, ओके ud ले लिया मैंने, और x माइनस 10 यानी 30 माइनस 10 करूंगा तो 20 आ जाएगा, और इक्वल में मेरा 6 आने वाला है। क्लियर हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, इधर पे 40 का एलसीएम ले लेंगे, और जैसे ही 40 एलसीएम लेंगे ना तो इधर पे हो जाएगा कितना 2, और ये 40 मेरा एलसीएम आ गया। क्लियर हो गया। अब 2 इधर पे मैं कैसे करूंगा, 2 इधर से अगर मैं कट भी कर दूं तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, देखने जाए कैसे 2 से इधर कॉमन लेंगे, 2 से इसे कॉमन लेंगे तो 2 से ये कटेगा 48 टाइम और 2 से ये कटेगा 3 टाइम, और 40 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 120, और 120 में से अगर मैं 48 लेस करूंगा तो यूडी की वैल्यू मेरे पास आने वाली है 120 माइनस 48, और वो कितनी होती है, वो होती है 80, सॉरी 80 नहीं, 120 में से 40 जाएगा तो 80 बचेगा, और 80 में से 8 जाएगा तो 72।
तो यूडी की वैल्यू कितनी आ गई, 72। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि कंडीशन इसमें क्या लग रही है, क्वेश्चन कैसे डील करेंगे, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी आप ऐसे करेंगे ना, तो उसके फैक्टर आपको ऐसे कर लोगे, अगर ऐसे कर लोगे तो आप जल्दी से जल्दी उसके फैक्टर भी निकाल लोगे और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी करने में। जस्ट एक एक करके प्राइम नंबर निकालते जाया करो, फिर उसको इधर उधर रख के उसको मल्टीप्लाई करो, देन आपको कहीं ना कहीं वो मल्टीप्लीकेशन मिल ही जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो गया, तो आई होप आपको ये समझ में आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर। अब क्वेश्चन नंबर फोर में देखो क्या दिया गया है, स्पीड ऑफ द पर्सन डी इन स्टिल वाटर इज कितना है, 28 किलोमीटर पर आवर। यानी डी में जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी है, एक्स की वैल्यू जो दी है वो 28 किलोमीटर पर आवर दी है। ठीक है, मैं इधर पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि इधर पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज डी को हमको टारगेट करना है। ठीक है, एंड रेशियो। अच्छा, इधर से वाई की वैल्यू भी मैं निकाल सकता हूँ ना, डी में, डी में वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आई थी मेरी। मैं पहले वाले क्वेश्चन पे आगे देख सकता हूँ, बिकॉज इधर पे 4 आई थी, 25 किलोमीटर पर आवर इधर दिया गया है, उसका मैं इधर से निकाल सकता हूँ परसेंटेज रख के। ओके, तो ये 4 आई थी। तो अब एक काम और कर सकते हैं इसमें कि अगर ये 4 है और ये 28 है, तो इधर से हम क्या निकाल सकते हैं, इनकी टाइमिंग निकाल सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम में वो कितने टाइम में गए। लेकिन हमको वो नहीं देखना है, हमको ये देखना है कि क्वेश्चन में आखिर पूछा गया है, एंड रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस एंड टू द टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द अप स्ट्रीम डिस्टेंस इज 9:16। तो देखो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस में उसको टाइम कितना लगेगा वो देखो, 72 उसकी पूरी डिस्टेंस है, और डाउन स्ट्रीम में जो उसकी स्पीड रहेगी वो कितनी रहेगी, 28 + 4 यानी कि 32, ये कुछ ऐसी स्पीड रहेगी। ओके, और इसका रेशियो अपस्ट्रीम वाले के टाइम के साथ, अब अपस्ट्रीम वाले का टाइम कितना है वो मुझे नहीं पता, लेकिन इनका जो रेशियो है वो किसके बराबर दिया है, 9:16 के बराबर, यानी दिस इंटू दिस। तो क्या कर लूंगा मैं, 72 / 32 और अपॉन में क्या कर लूंगा, टी, ये पूरा अपॉन है और इक्वल में क्या आ जाएगा मेरा, 9/16। क्लियर है, तो ये टी कहाँ पे जाएगा, टी पलट के कहाँ पे जाएगा, अपॉन के अपॉन में होता है तो टी इधर पे चला जाएगा। ओके, 9 से कट जाएगा 8 टाइम और 16 से कटेगा ये 2 टाइम और 2 से कटेगा 4 टाइम। तो टी की वैल्यू क्या निकल के आ गई मेरी, 4 आर। तो टी की कौन सी वैल्यू निकल के आई है, जो अपस्ट्रीम वाला टाइम है ना, तो इधर पे ये 4 आर निकल के आ गया जो हमारा ब्लैंक था। आगे देखो क्या बोला है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेवल टू द टोटल अपस्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पर्सन डी। तो पर्सन डी ने देखो डाउन स्ट्रीम तो करी थी 72 में, तो ये तो हमारे पास निकल के रखा है, अब 4 आर में वो कितनी कर लेगा, तो अपस्ट्रीम स्पीड बताइए कितनी होगी उसकी, 28 उसकी है क्या स्टिल वाटर में, और स्ट्रीम की स्पीड है y, y की वैल्यू है 4, है ना, ये तो हो गई स्पीड, और कितने टाइम में कर रहा है, 4 आर में। तो ये कितना हो जाएगा, 24 × 4, और 24 × 4 कितना होता है, 96 होता है। ओके, और इसको अगर मैं काट करूंगा तो 24 से 3 टाइम जाता है, 24 से 4 टाइम जाता है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3:4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, तो यहाँ तक आपको कंडीशन समझ में आएगी किस तरह से इसको किया जाएगा और किस तरह से डील किया जाएगा, लेस कैलकुलेशन करके आप इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, वैसे तो मैं होमवर्क में देने वाला था लेकिन स्टेटमेंट काफी बड़ा है तो होमवर्क में नहीं दूंगा, इसको मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। ठीक है, डाउनस्ट्रीम स्पीड, डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस एंड अपस्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर्सन सी, तो पर्सन सी को टारगेट करना है, पर्सन सी एंड सम टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डाउनस्ट्रीम स्पीड, डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस एंड अपस्ट्रीम डिस्टेंस इज इतना। तो देखो डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस एंड डाउन अपस्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल बाय सी इज कितना है, सेम। तो डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस और अपस्ट्रीम डिस्टेंस उसके द्वारा कितनी है, सेम है। अब ये तो इधर पे दिया नहीं गया है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, डाउनस्ट्रीम को मान लूंगा डी डी एंड अपस्ट्रीम को मान लूंगा यू डी, और ये दोनों कैसे दिए हैं, ये दोनों इक्वल दिए गए हैं। ओके, और उनको कवर करने का जो टाइमिंग दिया है टोटल, वो टाइमिंग कितना दिया है, वो टाइमिंग इतना दिया है। तो देखो डी डी बराबर यू डी बराबर मैं क्या ले लेता हूँ, इसको मैं कुछ ऐसा सिंबल मान लू, पी मान लेता हूँ, है ना। तो पी अपॉन, अब देखो डाउन स्ट्रीम जाएगा, पी क्या है, पहला डाउन स्ट्रीम ले रहा हूँ, तो डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस वाई। ओके, और पी अपॉन एक्स माइनस वाई, बिकॉज पी तो दोनों में सेम है। इनको जो टाइम लग रहा है टोटल, वो कितना टाइम लग रहा है, 21.6। ओके, अब बात कर रहे हैं सी की, तो सी के रिगार्डिंग ये हमको कितना दिया है, 2 किलोमीटर पर आवर, और ये क्या है, वाई, वाई की वैल्यू है 2 किलोमीटर पर आवर, एक्स की वैल्यू हमको नहीं पता, और एक्स की वैल्यू हमको नहीं पता तो वो निकलेगी कैसे, निकलेगी वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले इधर पे वैल्यू रख लेते हैं, तो एक्स माइनस कितना आ जाएगा, 2, और प्लस पी अपॉन में एक्स, एक्स माइनस एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, इधर पे वैल्यू आ गई 21.6। अब देखो ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, आपको ना तो पी पता है ना एक्स पता है, लेकिन आपको ये पता है कि ये अगर अपस्ट्रीम जाता है अपस्ट्रीम, तो उसको कितना टाइम लगेगा, 12 आर, यानी पी अपॉन एक्स माइनस वाई अगर वो जाएगा तो उसको 12 आर लगेगा, यानी पी अपॉन एक्स माइनस 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। तो P अपॉन x माइनस 12 की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ, 12 रख सकता हूँ, और जैसे ही 12 रखूंगा तो P अपॉन x प्लस 2 की वैल्यू आ जाएगी, तो P अपॉन x प्लस 2 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, इधर से ये वैल्यू निकल के आएगी, इधर जैसे ही 12 रखूंगा तो 12 इसमें से लेस हो जाएगा, यानी 9.6। क्लियर हो गया, तो 9.6 हो जाएगा, तो इक्वेशन में 2 भी कर सकता हूँ। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को 2 लिख दूंगा, अब इस इक्वेशन को 3 लिख दूंगा, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड करा दूं, यानी 2/3 कर दूं अगर,
इक्वेशन टू डिवाइडेड बाय थ्री, तो टू तो यही लिखी है, इसके नीचे मैं थ्री लिख दूंगा, तो एक्स माइनस कितना आ जाएगा टू, और अपॉन में कितना आ जाएगा ट्वेल्व, तो पी से पी मेरा कट जाएगा, एक्स माइनस टू पहुंचेगा ऊपर, तो एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9.6 है ना, तो 12 से कट जाएगा कितने टाइम, 0.8 टाइम, तो 0.8, ओके, तो 0.8 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमको कहानी क्या मिलेगी, x माइनस टू इक्वल्स टू वॉट, 0.8x और माइन प्लस के 1.6, ओके, तो 0.8x इधर पे जाएगा तो बचेगा कितना 0.2x, और इक्वल में ये 2 इधर पे जाएगा तो कितना हो जाएगा 3.6, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 18, x की वैल्यू हमने 18 निकाल ली। अब आगे देख लो, आगे दिया गया है, अब इस सेम डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर्सन बी, अब पर्सन बी अगर ट्रेवल कर रहा है इस 75% ऑफ द ट्रेवल बाय सी, तो सी ने कितना अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम किया है या अपस्ट्रीम किया है वो देखते हैं, ट्रेवल बाय सी इन अपस्ट्रीम, ओके, तो देखो सबसे पहले बी का अगर मुझे अपस्ट्रीम डिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले उसके लिए मुझे सी का अपस्ट्रीम डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और सी का अपस्ट्रीम डिस्टेंस कितना है, ये है, ये दिया गया है ना पी, तो पी की वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो वो मैं कैसे निकालूंगा, 12 इनटू एक्स माइनस टू, और एक्स की वैल्यू कितनी है 18, और 18 इधर रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 16, और 16 का मल्टीप्लाई करा देंगे, 12 इधर कितना होता है 96, और 96 का अगर मैं डबल कर दूंगा तो हो जाएगा 192, तो पी की वैल्यू कितनी आ रही है 192, ओके, और 192 का कितना 75%, तो 192 का अगर मैं 75% निकालूं यानी 3/4 कर लूंगा, 4 से 4 4 जा हो जाते हैं मेरे 16, और 16 के बाद बचेगा 3 और 4 8 जा, ओके, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 120 और 3 8 जा 24, तो ये कितना आ जाएगा 441, यानी बी ने जो अपस्ट्रीम डिस्टेंस कवर करी होगी वो कितनी करी होगी 144, और अपस्ट्रीम से अगर बी करेगा तो बी की मुझे क्या चाहिए, एक्स चाहिए, और x तो सब में सेम रहेगा, अब लेकिन b में सेम रहेगा कि नहीं रहेगा वो अलग बात है ना, a का x और b का x, यानी a की स्टिल वाटर की स्पीड और b की स्टिल की वाटर की स्पीड अलग अलग हो सकती है, ओके, तो ये तो आ गया आपका क्या अपस्ट्रीम वाली क्या कि ये डिस्टेंस आ गई। अब आगे देखो, और आगे क्या दिया है, सम ऑफ द टाइम टेकन बाय b टू कवर हिज डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस एंड अपस्ट्रीम डिस्टेंस इज इतना, तो b के लिए बात कर लेते हैं, अब बी के लिए देखो डाउन स्ट्रीम तो दिया गया है, अपस्ट्रीम मैंने निकाल लिया, तो डाउन स्ट्रीम की क्या वैल्यू है 96 अपॉन में क्या आ जाएगा, इसकी स्टिल वाटर में बी ले लेता हूँ और प्लस में क्या ले लूंगा, बी की जो आपकी वैल्यू आएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी 10, वाई की वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी, तो इधर पे आ जाएगा 10, ओके, और इधर पे कितना आ जाएगा 144 अपॉन में कितना आ जाएगा बी माइनस 10, और इसको जो टोटल टाइम लग रहा है वो कितना आएगा 6.72, और ये 144 कहां से आया, ये अपस्ट्रीम डिस्टेंस मैंने निकाल के रखी थी, देन निकालना क्या है, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पर्सन बी इन स्टिल वाटर, तो सिर्फ बी की मुझे वैल्यू निकालना, और उसके लिए मैं क्या करूंगा 12 से कट करूंगा, सबसे पहले पॉइंट हटा के 2 जीरो नीचे पढ़ाऊंगा, 12 से 12 बार कट होगा, 12 से 8 टाइम कट होगा, 12 से 12 5 जा एंड 12 6 जा, ओके, अब किससे कट हो रहा है 4 से 14 टाइम, 4 से 3 टाइम एंड 4 से 2 टाइम, अब इसके बाद किसी से कट हो रहा है क्या, अब ये किसी से कट नहीं हो रहा है, 2 से सिर्फ ये कट हो सकता है, ये 50 टाइम एंड ये 7 टाइम, तो वैल्यू क्या निकल के रहेगी 2 अपॉन बी प्लस 10 और प्लस में 3 अपॉन बी माइनस 10 इक्वल में कितना आ जाएगा 7/50। देखो दो तरीके हैं, एक तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो या तो फिर एक्जैक्टली आपका जो आंसर है वो ऑप्शन में, ठीक है, एक एक करके ऑप्शन उठा लो, 40 अगर मैं इधर पे उठा के रखता हूँ तो 40 अगर रखूंगा तो ये 50 हो जाएगा यानी 2/50, ओके, और 40 अगर इधर रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 3/40 रखूंगा इधर पे तो कितना हो जाएगा 3/30, ओके, और 3/30 ये कट भी सकता है, तो 50 अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो ऊपर कितना आएगा 2 और इधर पे कितना आ जाएगा 10 से कटेगा तो 5, तो मेरा आंसर कितना मिलेगा 7/50, तो क्या LHS इक्वल्स टू RHS हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 7/50 मिल रहा है मुझे, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही मेरा सेटिस्फाई हो गया, बाकी मुझे ऑप्शन चेक कराना ही नहीं है, अगर मैं 30 लेता तो कहानी कुछ अलग आती, कैसे, अगर मैं 30 लेता तो मेरे पास कितना था 2/40 और प्लस अगर मैं 30 इधर पे लेता तो 3/20, ओके, इसको कट करता तो ये 20 टाइम कट हो जाता, LCM आता 20 और ऊपर कितना मिलता मुझे 1+3 और 1+3 होता है 4, 4 से कट करते तो 1/5, जो कि इससे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ओके, तो बाकी सारे सेटिस्फाई नहीं करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 1 मेरा आंसर हो जाएगा, क्लियर है, तो ये तो हो गए आपके 5 सेट ऑफ नंबर क्वेश्चन इसमें जितने मैंने लिए गए थे, अब बात कर लेते हैं बाकी की, तो ईयरली पैकेज के बारे में जो मैंने बिगनिंग में आपको बताया था वही मैं फिर से बताऊंगा, इधर पे आपको 1000 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ऑल ई बुक्स आपकी परचेज मतलब जो है वो अनलॉक हो जाएगी, और सारी न्यू पैटर्न क्वेश्चन इधर पे हैं जो मैं लाइव सेशन में ले रहा हूँ वो भी क्वेश्चन आपको इधर पे मिलेंगे, हाई लेवल के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे एंड जो मैं रिकॉर्डेड वर्जन में लेता हूँ वो भी आपको मिल जाएंगे, और अगर आप लाइव सेशन नहीं देख रहे हैं तो लाइव सेशन देख सकते हैं, 3 PM में आपको रोज लाइव सेशन डालता हूँ एंड रिकॉर्डेड वर्जन 11 से 12 बजे रोज सुबह के टाइम पे आता है, और बाकी 300 प्लस अगर आपने DI नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट उसकी जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई थी अपनी 60 प्लस जो वीडियो है उसी की 300 PDF के फॉर्म में इधर पे कंसाइज है, उसमें वीडियो लिंक भी दिया गया है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है जैसे आपको सॉल्यूशन नहीं आता है उसका तो आप वीडियो लिंक पे देख सकते हैं, ओके, तो ये सारी आपकी इन्फॉर्मेशन है इस बारे में,
और प्लेटिनम पैकेज की अगर बात करें तो 525 का है, जो कि ऑफर में है अभी और ऑफर में चल रहा है, तो ये आपका इसका डिक्रीज किया गया है प्राइस, तो आप इसको जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए, आपको काफी ज्यादा इससे बेनिफिट होगा। ओके, तो थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।